मेरा नाम मोहम्मद हनीफ है और हमारे साथ आज यहाँ पे मेरा ख़्याल है पाकिस्तान के जो सबसे अच्छे शायर नौजवान वो मौजूद हैं, और इनमें से बिलाल तनवीर जो हैं वो शायर नहीं हैं, वाहिद जो हैं इनमें से शायर नहीं हैं। ये कहानियाँ लिखते हैं अंग्रेज़ी में और पढ़ाते हैं और ट्रांसलेट करते हैं, और इन्होंने अभी अभी चाकीवाड़ा में विसाल जो कि पाकिस्तान के एक बहुत बड़ा नावल है उसको उन्होंने अंग्रेज़ी में तर्जमा किया है। हसन दर्स हैं, हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं, मैं इनको 20 साल से जानता हूँ। 20 साल पहले जब हम मिले थे तो मैंने इनसे पूछा था कि आप क्या करते हैं, तो इन्होंने कहा था कि मैं शायरी करता हूँ, और 20 साल हो गए, उसके अलावा आज तक इन्होंने कुछ नहीं करके दिया, सिर्फ शायरी करते हैं। अब ये घोड़े भी पालते हैं साथ साथ, ये एक इन्होंने नया काम सीखा है। अली अकबर नातिक हैं, उनकी एक ही महीने में, इसी महीने में शायरी की पहली किताब और अफसानों की पहली किताब शाया हुई है, और इस तरह के शायरी और अफसाने और एक ही शख्स के लिखे हुए मैंने बहुत अरसे से इतना ज़्यादा टैलेंट एक बंदे में मैंने नहीं देखा। और उससे पहले बाद में पता चला कि ये उकाड़ा के हैं, तो उकाड़ा में मैं चूंकि सहाफ़ी हूँ, मैंने एक दफ़ा स्टोरी की थी कि उकाड़ा में मस्जिदें इतनी तेज़ी से क्यों बन रही, तो इन्होंने मुझे बताया कि इनका काफ़ी हिस्सा था, क्योंकि ये शायर बनने से पहले मिस्त्री का काम करते थे, और इनका जो ख़ास पेशा था कि ये मीनार और गुंबद बनाते थे, तो ज़्यादातर जो वहाँ पे मस्जिदें हैं उनमें इनका काफ़ी हाथ है। अतिया दाऊद हैं, उनकी 7 किताबें आ चुकी हैं, और इस नौजवानी में इन्होंने अपनी सवाने उम्री ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है जो छप चुकी है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और उसके बाद मुदस्सर साहब हैं, जिनका नाम गलती से OUP वालों ने मुदस्सर अज़ीज़ छाप दिया है, ये उनका नाम नहीं है, उनका नाम मुदस्सर बशीर है। इन्होंने एक नोवेला लिखा है, इनकी शायरी की एक किताब आ रही है, एक अफसानों की किताब आ चुकी है, और सबसे जो इंटरेस्टिंग काम इन्होंने किया है वो ये है कि इनके नाना शायर थे लेकिन लिखते नहीं थे, उनकी नज़मों की किताब इन्होंने कंपाइल की है। और आख्या काजी ने, जी आख्या काजी ने, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग काम है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से लोग जो शायर होते थे और अब भी होते हैं, वो ज़रूरी नहीं कि उनको पढ़ना लिखना भी आता हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो शायरी नहीं कर सकते, तो इनसे इस बारे में भी बात करेंगे। तो हसन, आप हमें अपनी शायरी सुनाएं, और साथ साथ कुछ लोगों को मसला ये होगा कि कहेंगे कि हमें समझ नहीं आ रही कि ये क्या कह रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि अगर आप गौर से सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। आपके साथ कोई बैठा होगा, उससे पूछ लें कि ये क्या कह रहा है, या बाद में हसन यहीं पे मौजूद होंगे, बाद में आप इनसे पूछ लीजिएगा। लेकिन मैं भी सिंधी नहीं हूँ, लेकिन मुझे आमतौर पर इनकी शायरी समझ आ जाती है क्योंकि इतनी अच्छी। हसन, मैं कोशिश करूंगा एक ओरिजिनल सिंधी नज़म आपको सुनाऊं, और उसके बाद दो तीन नज़में सिंधी की हैं जिसका मैंने तर्जमा किया है उर्दू में, कोशिश की है कि वो कम्युनिकेट हो सके आपसे। पहले एक सिंधी की एक नज़म। कुनिया में कैफ वारो रूमिया जो रक्स आहे, कुनिया में कैफ वारो रूमिय जो रक्स आहे, हिन दिल कलंदरीअ में दम दम धमाल आहे। कुनिया में कैफ वारो रूमिय जो रक्स आहे, हिन दिल कलंदरीअ में दम दम धमाल आहे। हिन पट खे विछाए वेढ़े सघां थो आऊं, हिन पट खे विछाए वेढ़े सघां थो आऊं, हर ख़्याल जी खुदाई खेड़े सघां थो आऊं, मिट्टीअ मां हर को माण्हू मेड़े सघां थो आऊं। आवाज़ जे उथण जी कैफियत कमाल आहे, हिन दिल कलंदरीअ में दम दम धमाल आहे। मुमेई आग जरकी मुमाई गुल बणियो आ, मुमेई जज फुटो आ, मुमेई कुल छणियो आ। मुमेई आग जरके मुमाई गुल बणियो आ, मुमेई जुज फुटो आ, मुमेई कुल छणियो आ।
मुखे जण्यो मोहब्बत मोहब्बत के मुँह जण्यो आ जगमग जलाल आहे झिरमिर जमाल आहे इन दिल कलंदरीय में दम दम धमाल आहे ही रक्स बेखुदिया दीवानगी सदिन जी ही रक्स बेखुदिया दीवानगी सदिन जी हिन में रवानगी आ सारी रखियल नदिन जी दुनियान असां साम्हूं बीही सघी बदिन जी छेरिन जी छम छमा छम समझम सवाल आहे हिन दिल कलंदरीय में दम दम धमाल आहे इन दिल कलंदरीय में दम दम धमाल आहे एक सिंधी की नज़म है जिसकी ट्रांसलेशन शायर जो वतन एक शायर का वतन एक शायर का वतन उसकी आंखें एक शायर का वतन उसकी आंखें वो खुश्की पे समंदर जैसी याद उसको आती है वो लिखे अल्फाज कितना गुस्सा उसको आता है वो पता नहीं क्या चाहता है हमेशा गांव जाता है वो पता नहीं क्या चाहता है हमेशा गांव जाता है दूर आज भी समझता है कि उसके गांव की तंग गली में जिंदगी अच्छी होगी संगमरमर के कब्र पर चांदनी पड़ी होगी वो सोचता है कि उसके भाई की बंदूक की नाली गर्म होगी झील पर परंदों का झुंड फड़फड़ाता होगा और उसके भाई की सुर्ख घोड़ी बंदूक के फायर पर हिनहिनाती होगी वो अचानक उससे भी आगे जाता है वो अचानक उससे भी आगे जाता है जिंदगी किसी और जगह है वो जैसे मेलान कुंडेरा की खामोशी से मिलता है वो प्राग के एक घर में देखता है जहाँ कोई चेक लड़की किसी गैर मुल्की से सोई हुई है और कुंडेरा तुम तो पेरिस में रहते हो और कुंडेरा तुम तो पेरिस में रहते हो जिंदगी किसी और जगह है हाँ जहाँ सोल्जे निटसन के मुल्क बद्री का सूरज उभरता है या उससे भी आगे महमूद दरवेश के आबाओ अजदाद के बागात से उम कलसुम की आवाज़ जैसी हगमा हवा नगमा सरा है जहाँ तक जाती है सोच उसकी वो वहाँ तक जाता है जहाँ तक देखती है आँख उसकी वो वहाँ तक रहता है एक शायर का वतन उसकी आँखें एक छोटी सी नज़म है ये भी तर्जुमा है सिंधी की नज़म है खैबर पास की रहने वाली एक लड़की के नाम रोहिना अगरचे तसवर कबाइल के रू से अगरचे तसवर कबाइल के रू से पसे चार दीवार खाना उसे छुपा कर कहीं उम्र भर के लिए घर रखा भी जाता तो ये भी था मुमकिन अगरचे तसवर कबाइल के रू से पसे चार दीवार खाना उसे छुपा कर कहीं उम्र भर के लिए घर रखा भी जाता तो ये भी था मुमकिन अगरचे तसवर कबाइल के रू से सिर्फ नाम उसका उठाने के जिद में वो आपस में होते जो दस्तो गरेबां तो ये भी था मुमकिन अगरचे तसवर कबाइल के रू से उनकी सना की हिकायत से लबरेज सारे सहीफे जलाए भी जाते तो ये भी था मुमकिन हाँ यही वो तसवर हाँ यही वो तसवर जो औरत को पर्दों के पीछे समाजी सलासल में महबूस रख कर शर्मनाक वैशी शुजात के जूठे सतूनों पे सदियों से कायम रहा है हाँ यही वो तसवर जो औरत को पर्दों के पीछे समाजी सलासल में महबूस रखकर शर्मनाक वैशी शुजात के जूठे सतूनों पे सदियों से कायम रहा है मगर वो हसीना जरगों के नरगों से आखिर निकल कर पेशावर जो पहुंची तो गोया किसी हुस्न अजल को सहर खेज आजादगी भी मिली एक और बाद में तो बहुत शुक्रिया हसन घोड़ों का काम कैसे चल रहा है नहीं ये वाकई घोड़े पालते हैं अपना अभी इन्होंने शुरू किया है काम तो इसके बारे में खैर बाद में बात करेंगे नातिक साहब आप कहानियाँ भी लिखते हैं और शायरी भी करते हैं तो कैसे ये फैसला होता है कि आज मैं नज़्म लिखूँगा या आज कहानी लिखूँगा ये असल में कहानी और शायरी का चूँकि बिल्कुल अलग अलग
मैदान है और उसमें कहानी में शायरी नहीं हो सकती, शायरी में कहानी नहीं हो सकती। तो मेरे ख्याल में शायरी के लिए जो एक माहौल होता है वो, आपको मैं एक बात बताऊं कि मैं रात को 10 बजे के बाद वो एक कंदील, मोमबत्ती जिसे कहते हैं, वो जला के पढ़ता हूँ। अच्छा, लाइटें ऑफ कर देता हूँ। उसमें एक अजीब गरीब सा लुत्फ आता है कि एक मद्धम सी रोशनी में पढ़ रहे हैं और तलिस्माती सा माहौल। तो अक्सर उसमें जो शायरी जन्म लेती है वो उस माहौल में लेती है। कहानी जब जन्म लेती है तो वो समाज में जन्म लेती है। आप जब मुआशरे में ज़मीन पे चलते हैं, मैं हकीकतन ये बताऊं कि ये इंटरकॉन्टिनेंटल और ये इलिट क्लास में ये ज़मीन नहीं है, ज़मीन कहीं और है। जब हम उसमें जाते हैं तो वो बेशुमार कहानियां बिखरी होती हैं। तो हम जब हकायक की नज़र से देखते हैं तो फिर वो उसमें कहानी निकलती है। तो चूंकि मैं दो तबकों में बटा हुआ हूँ, तो मैंने अपने आप को एक, पहले पहल मैंने शायरी ही शुरू की, लेकिन जब मैंने पीछे मैं अपने मुड़ के देखा तो मैंने एक ऐसे मुआशरे में रहा जहाँ पे बहुत सारी कहानियाँ बिखरी हुई थी, और फिर मैंने सोचा, मैंने बहुत सारा नसरी अदब पढ़ा, तो मैंने ख्याल किया कि शायद मैं भी लिख सकता हूँ। तो मैंने लिखा, पहली कहानी आपने पढ़ी होगी, ताबूत थी जी जी जो मैंने लिखी, और वो पढ़ी रही। अब शायरी के लिए ये है कि वो महीने में एक दो नज्म हो जाती है, कभी गज़ल हो जाती है, और महीने में या दो महीने में एक आध अफसाना हो जाता है। सही। अफसाना में लिखने से पहले पूरा उसका क्लाइमैक्स, जहाँ से शुरू करना है, जहाँ ख़त्म करना है, क्या उसमें है, वो मैं पहले अपने अंदर ही तैयार कर लेता हूँ। जब मैं कलम पकड़ता हूँ तो एक या दो दिन में वो फारग हो जाता है, उसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। शायरी के लिए भी ऐसा ही है कि मैं अपने अंदर एक ख्याल मेरे जन्म लेता है, वो शायराना ख्याल जिसे आप कहते हैं, तो उसके लिए फिर जब वो कोई अचानक, ये तो मैं समझता हूँ कि कोई कुदरत की देन है, खुदा का कर्म है, कि वो ऐसे ही चलते चलते उसी ख्याल के मतलब कोई मिसरा आ जाता है। सही। और फिर जब मैं मिसरा लिखता हूँ तो वो बनता ही चला जाता है, और एक दो घंटे में नज़म मुकम्मल हो जाती है। सुनाएं कुछ। तो पहले मैं एक नज़म आपको एक सुना देता हूँ। ये है कि ये फ़न और शायरी के मतलब ही है। ठीक ठीक। इसमें क्या होता है, ये पहली नज़म है, रेशम बुनना खेल नहीं। हम धरती के पहले कीड़े, हम धरती का पहला मास, हम धरती के पहले कीड़े, हम धरती का पहला मास, दिल के लहू से सांस मिलाकर सुच्चा नूर बनाते हैं, अपना आप ही खाते हैं और रेशम बुनते जाते हैं। वाह वाह वाह। हम धरती के पहले कीड़े, हम धरती का पहला मास, दिल के लहू से सांस मिलाकर सुच्चा नूर बनाते हैं, अपना आप ही खाते हैं और रेशम बुनते जाते हैं। ख्वाब नगर की तन्हाई, ख्वाब नगर की खामोशी और तन्हाई में पलते हैं, साफ मुसफ़ा उजला रेशम तारीकी में बुनते हैं। ख्वाब नगर की खामोशी और तन्हाई में पलते हैं, साफ मुसफ़ा उजला रेशम तारीकी में बुनते हैं, किसने समझा कैसे बुने हैं चांदी की किरणों के तार, किसने समझा कैसे बुने हैं चांदी की किरणों के तार, कुंज जिगर से खींच के लाते हैं हम नूर के जर्रों को, शर्माते हैं देख के जिनको नील गगन के तारे भी, हमको खबर है इन कामों में जान का ज़िया हो जाता है। वाह। हमको खबर है इन कामों में जान का ज़िया हो जाता है,
लेकिन फितरत की मजबूरी हम रेशम के कीड़ों की, सुच्चा रेशम बुनते हैं और तार लिपटते जाते हैं, आखिर घुटकर मर जाते हैं रेशम की दीवारों में। कोई रेशम बुनकर देखे, रेशम बुनना खेल नहीं। वाह वाह वाह। तो और एक और एक नज्म है जो जिसे ये समझ लें कि मैं जब बचपन ही मेरा था वो, और पंजाब की उस सरजमीन पे जहाँ दरिया थे और शादाबियाँ थीं, तो वो